नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट चैनल और मैं आपके साथ आपका दोस्त अवधेश चौहान उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको इस सीलिंग फैन की मास्टर डाई को बना के दिखाऊंगा, जिससे आप 12 स्लॉट, 14 स्लॉट, 16 स्लॉट, 18 स्लॉट के सभी फैन के स्टेटर वाइंडिंग कर सकते हैं और इससे रनिंग कॉल भी वाइंडिंग कर सकते हैं और स्टार्टिंग कॉल भी वाइंडिंग कर सकते हैं। और अगर आप इस डाई को अपने आप घर पर स्वयं बनाओगे तो लगभग 100 से 200 रुपए के करीब में आप इसे बड़े आसानी से बना सकते हैं। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखें तो पूरा शुरू से लास्ट तक देखें, क्योंकि इस डाई को बनाने में मुझे लगभग 8 से 10 दिन लगे हैं, क्योंकि इसके साथ मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, इस वजह से मुझे टाइम बहुत लगा है, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और मैं गारंटी देता हूं आपको इस डाई की वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरी डाई की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीलिंग फैन की डाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पत्ती चाहिए, जो कि ये पत्ती 1.25 फुट मोटी है और इसकी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई जो है वो 0.25 इंची है और यह इसकी लंबाई जो है 15 इंची है। अब देखिए, इस पत्ती के हमें 5-5 इंची के 3 टुकड़े काट के निकाल लेने हैं। अब देखिए, इस पत्ती के 5-5 इंची के हमने 3 टुकड़े काट के निकाल लिए हैं और इसके बाद हमें एक 4 फुट का नट ले लेना है और इस नट को इस पत्ती पर हमें इस तरीके से यहाँ वेल्डिंग कर देना है। अब इस बोल्ट में हमें 4 फुट का सुराख कर लेना है बिल्कुल बीचा बीच में। अब देखिए, इस पत्ती में हमने यहाँ एक 4 फुट का सुराख आर पार कर लिया है और ये 4 फुट की जो ढिमरी लगी है जस्ट इसी के ऊपर हमें एक 2 फुट का सुराख एक और कर लेना है। अब देखिए, इस 4 फुट के नट में हमने ऊपर की साइड में एक 2 फुट का होल कर दिया है और जस्ट इसी होल के ऊपर हमें एक 2 फुट की ढिमरी यहाँ वेल्डिंग कर देनी है। अब इस पत्ती में हमें 2 कट लगाने के लिए 2 निशान मार्का से लगा लेने हैं और ये निशान हमें 1.5 इंची की दूरी पर लगाने हैं। इसकी जहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो 1.5 इंची है, दोनों साइड की सेम बराबर है और इसकी चौड़ाई जो है, इसकी चौड़ाई 2 सूत है। अब इस पत्ती पर हमने ये दोनों कट निकाल लिए हैं और इन दोनों कटों को हमें तोड़ के बाहर निकाल देना है यहाँ से। अब देखिए, इसके बाद हमें 5-5 इंची की 2 पत्ती ले लेनी है और इन दोनों पत्ती पर हमें आगे की साइड में ये निशान लगा लेने हैं और ये निशान हमने 5 सूत की लंबाई पर लगाए हैं, यानी कि 1/2 इंची से 1 सूत फालतू है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो हमने 3 सूत चौड़ाई पर ये निशान लगाया है। अब इसको हमें यहाँ से काट के निकाल लेना है दोनों साइडों से। अब ये पत्ती बैठ के आकार की तैयार हो गई है। अब इसके आगे वाले भाग को हमें इसके पतला कर देना है। अब इन दोनों पत्तियों को हमने आगे की साइड से घिस के सेट कर लिया है। अब देखिए, इस पत्ती के दोनों शोल्डर जो हैं ये हमें घिस के साइड से निकाल देने हैं।
देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों पत्तियों के शोल्डर घिसके ये तैयार कर लिए हैं, और इस पत्ती की यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है ये 5 इंची थी, तो यहाँ हमने बीच में एक 2.5 इंची पर निशान लगा लिया है, और यहाँ से हमें मोड़ देनी है ऊपर को। और देखिए जहाँ पर हमें एक ध्यान रखना है, ये पत्ती जो मोड़नी है हमें, ये जो कट लगा हुआ है इधर की साइड में आगे को मोड़नी है, ये उल्टा निशान लगा के पीछे को नहीं मोड़नी, आगे को ही मोड़नी है, नहीं तो डाई खराब हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों पत्तियों को हमने मोड़ दिया है, और जो पत्ती हमने 90 एंगल डिग्री से थोड़ी ज़्यादा मोड़ी है, हल्की सी इधर की साइड में, ये आगे की साइड जो है इसकी लगभग 100 एंगल डिग्री के आसपास मान के चलो। देखिए यहाँ पर डाई में हमारी जो पत्ती लगेंगी इस पोजीशन में लगेंगी, इसके पीछे की साइड में थोड़ा गैप ज़्यादा रहेगा लगभग 3 सूत के आसपास, और आगे यहाँ 0 गैप रहेगा, क्योंकि हमारा फैन का स्टेटर जो होता है ये आगे की साइड में पतला होता है, क्योंकि यहाँ रिपिट लगी होती है, और पीछे की साइड में ये मोटा होता है, तो हमारी ये डाई यहाँ बिल्कुल इस तरीका से इसमें फिट आ जाएगी। इसी वजह से डाई के पीछे हमें गैप ज़्यादा रखना पड़ता है और आगे को कम रखना पड़ता है। अब इन दोनों पत्तियों में हमें यहाँ एक एक सुराख कर लेना है। मान लो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंची है, तो ये इसकी 2.5 इंची की आधी 1.25 इंची हो जाएगी, तो 1.25 इंची पर हमें ये सुराख इसका कर लेना है। देखिए अब हमने यहाँ पर इन दोनों पत्तियों में ये 2 सूत के 2 सुराख कर लिए हैं। अब इसके बाद हमें एक 2 सूत की स्टील की सरिया चाहिए, वो सरिया हमें यहाँ इस तरीका से वेल्डिंग करनी पड़ेगी। देखिए इस सरिया पर हमने यहाँ एक निशान लगा लिया है, और ये निशान 3.2 इंची पर है, मतलब 3 इंची 2 सूत पर हमने ये निशान लगा लिया है, और दूसरा निशान जो है ये भी 3.2 इंची पर है, तो हमें ये दोनों टुकड़े काट के निकाल लेने हैं इसमें से। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टील की 2 सरिया ये काट ली हैं, और ये सरिया 3 इंची 2 सूत की हैं, दोनों ही सेम बराबर की रहनी चाहिए, और आगे की साइड जो है ये हमने तिरछी काटी है, जैसे ये सरिया है इसमें से इस तरीका से हमने तिरछी काटी है। अगर आप चाहो तो इसे ग्राइंडर से भी इसके तिरछा कर सकते हैं। अब ये सरिया हमें इस पत्ती में इस तरीका से वेल्डिंग कर लेनी है। अब इसके बाद हमें इस डाई की नॉब को आगे से घिस लेना है यहाँ से। अब इस डाई के लिए हमारे ये 3 आइटम कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा लास्ट आइटम जो है उसके लिए हमें एक 4 इंची की सरिया चाहिए, और ये 4 इंची पे हमने यहाँ निशान लगा लिया है, और ये हमें काट के थोड़ा निकाल लेना है यहाँ बीच के लिए। देखिए इस सरिया को हमने ग्राइंडर से पीछे की साइड से घिस लिया है, और ये इस वजह से घिसा है क्योंकि इसमें एक बैरिंग लगती है फैन वाइंडिंग मशीन में 6201। देखिए यहाँ हमने आगे एक निशान लगा लिया है, ये 0.25 इंची पर है, और इस निशान पे हमें एक सुराख कर देना है, जो कि हमें सुराख करना है ये 1.5 सूत का। देखिए इस सरिया में सुराख करने के बाद हमें करना क्या है, एक कोई बिट ले लेनी है, और बिट को सुराख में इस तरीका से फंसा देना जिससे कि हमारा सुराख सीधा रहेगा। फिर जस्ट इसके ऊपर हमें
इस सरिया की आगे की साइड में हमें एक कट लगा देना है ग्राइंडर से। अब इसके बाद हमें एक पत्ती का टुकड़ा ले लेना है और ये टुकड़ा इतना मोटा होना चाहिए जितना मोटा हमारे ग्राइंडर का भील होता है। अब इस सरिया में कट लगाने के बाद हमें इस पत्ती के टुकड़े को आगे फंसा देना है और दोनों साइड में हमें वेल्डिंग के दो टांके लगा देने हैं, एक इधर और एक इधर। अब देखिए इस सरिया में हमने आगे की साइड में जो पत्ती लगाई थी इस पर दोनों साइड से हमने वेल्डिंग कर दी है और यहाँ ये हमें कट लगा देना है इस पत्ती पे। केवल हमें इसकी लंबाई जो 3 सूती रखनी है, इसको ग्राइंडर से घिस के फिट कर लेना है। अब देखिए इस डाई की सरिया जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब डाई को फिट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले इस एच वाली पत्ती में हमें इस सरिया फिट कर लेनी है और इसका ये बोल्ट जो है हमें यहाँ से टाइट कर देना है रिंच से। अब देखिए इसके बाद 10 नंबर के हमें 2 बोल्ट ले लेने हैं जो कि 1.25 इंची लंबे हैं और 2 बासल ले लेने हैं। अब देखिए ये बोल्ट और बासल हमने इस पत्ती में फिट कर लिए हैं और ये एच वाली पत्ती जो है इसमें इस बोल्ट को हमें फंसा देना अंदर। ये मास्टर डाई है, जैसे कोई स्टेटर हमारा चौड़ा होता है तो यहाँ से चौड़ा और पतला साइज यहीं से इसका होता है। इसके बाद हमें इसकी दूसरी वाली पत्ती भी यहाँ फंसा देनी है और दोनों के बोल्ट हमें टाइट कर लेने हैं और यहाँ भी एक लकड़ी और लगानी है। आप वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देखना। देखिए अगर आप इस डाई को बना नहीं पा रहे हैं तो कमेंट जरूर करोगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डाई जो है हमारे यहाँ नहीं मिलती है, पूरी कंप्लीट मशीन मिलती है जिसमें काउंटिंग मीटर होता है, मास्टर डाई होती है, चैन वाली होती है, हाथ से चलने वाली। और उसका अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ये मशीन डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में मिलती है और ये पहले ऑर्डर बुक कराना पड़ता है उसके बाद बनाते हैं। देखिए इस डाई को हमने पूरी तरीके से फिट कर लिया है, इसके सभी बोल्ट हमने टाइट कर दिए हैं और इसे आगे की साइड से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारी डाई फिनिशिंग में बनी है। अब देखिए करना क्या है हमें, यहाँ ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा लगता है और यहाँ एक नीचे लकड़ी का टुकड़ा लगता है जो कि स्टेटर की दूरी को बराबर करता है स्लॉट की को, तो हमें वो लकड़ी के टुकड़े बना लेने हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक 3 सूत मोटी लकड़ी ले लेनी है और जिसकी चौड़ाई है 1.5 इंच, आप चौड़ाई अपने हिसाब से भी ले सकते हैं लेकिन उसकी मोटाई जो है 3 सूत होनी चाहिए। देखिए हमें ये लकड़ी पर निशान लगा लेने हैं, जहाँ से जहाँ तक इसकी लंबाई 1.5 इंच रखनी है और इसकी चौड़ाई जो है 3 सूत, तो इसके हमें 2 टुकड़े बाहर निकाल लेने हैं काट के और सुराख कर लेने हैं। देखिए डाई में लगाने के लिए ये दोनों लकड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इनमें हमें यहाँ एक बासल लगा के और ये 8 नंबर का बोल्ट लगा देना है, ये 1.5 इंची लंबाई का बोल्ट है और ये लकड़ी यहाँ इस तरीका से यहाँ डाई में फिट हो जाएगी और एक ऊपर की साइड में फिट हो जाएगी। ऊपर यहाँ एक बासल लगा देना है और एक ढिंगली लगा देनी है। अब देखिए इसके बाद में हमें 2 फ्लेम शीट के पेपर बना लेने हैं और इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये 2 इंची है और यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई 1.5 इंची है और ये हमने बीच में जो कट लगाया है ये 1.25 इंची पर लगाया है। अब ये पेपर हमें डाई में इस तरीका से फिट कर देना है, ये आगे पीछे हो जाता है और एक पेपर हमें इसके पीछे की साइड में लगा देना है। अब जो डाई बनकर तैयार हो गई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।